नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका आज तक 24 न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा भूतपूर्व छात्रों का ऑनलाइन वेबिनार कार्यक्रम दिनांक 17 फरवरी 2022 को शासकीय नवीन महाविद्यालय इंदौर के प्राचार्य डॉक्टर इनामुर रहमान की अध्यक्षता में समय दोपहर 1 बजे प्रारंभ होकर 2 बजे समापन किया गया। महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं भूतपूर्व छात्र संगठन के प्रभारी चेतन सराठे द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि उक्त कार्यक्रम में शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय भूतपूर्व छात्र एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुनील रामचंदानी जी एडवोकेट उपस्थित होकर अपने उद्बोधन में सदस्यता अभियान एवं आगामी होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन के संबंध में परिचर्चा करते हुए संगठन के सदस्यों से विचार विमर्श किया और संगठन के सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि संगठन को संगठनात्मक रूप से कार्य करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में भूतपूर्व छात्रों को संगठन से जोड़ा जाना है, जिससे कि छात्र कल्याण के उत्थान के लिए कानूनी साक्षरता के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं लाभान्वित हो सके। और अध्यक्ष द्वारा अपने उद्बोधन में यह भी कहा गया कि आगामी कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित किए जाएंगे और अधिक से अधिक भूतपूर्व छात्रों को अभियान के तहत जोड़ा जाएगा, जिसके परिपालनार्थ प्रभारी चेतन सराठे द्वारा सदस्यता अभियान हेतु संपर्क सूत्र 9826546057 जारी किया, जिसमें कि भूतपूर्व छात्र संपर्क कर सकते हैं और संगठन की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर एवं भूतपूर्व छात्र एसोसिएशन के प्रभारी चेतन जी सराठे द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भूतपूर्व सदस्यगण उपस्थित थे, जिनकी कुल संख्या 25 के लगभग रही। और अंत में आभार प्रोफेसर एवं भूतपूर्व सदस्य डॉक्टर अनिता गहलोत जी द्वारा ऑनलाइन वेबिनार कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों का माना गया। जाहिद खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।